चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बोट मूव रेडी टू टू द वॉटर विद वेलोसिटी विच इज एन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग देखो ड्रिफ्ट क्या होता है वो अपन को पता है और मिनिमम ड्रिफ्ट हो सकता है जीरो ठीक है

ये अपने पास रिवर फ्लो हो गया यहां पे वेलोसिटी वी से रिवर फ्लो कर रही है और जैसा जैसा अपन को गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं अपन वी तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू तो रिवर ये हो जाएगा वी बाय टू है ना अब स्वीमर को यहां से और वैसी बात है वो जीरो ड्रिफ्ट पे तो कभी नहीं जा सकता है ना जीरो ड्रिफ्ट पे जाने के केवल एक पॉसिबिलिटी है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी नहीं जा पाएगा है ना तो यहां पे अपन को नहीं पता कि भाई मिनिमम ड्रिफ्ट जो है वो कौन से एंगल के लिए मिलेगा तो अपन मान लेते हैं कि लेट्स से ये जो एंगल है कोई भी एंगल मान लेते हैं लेट्स से ये एंगल अपने पास थीटा है ठीक है इस एंगल थीटा के लिए मिनिमम ड्रिफ्ट आ रहा है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज वी बाई टू और रिवर की वेलोसिटी होगी कुछ v तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं आ सकता तो यहां कहीं पे आएगा तो दैट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद टू ग्राउंड तो ऐसे जाते हुए ये पहुंच जाएगा भाई यहां पे ठीक है तो इसको अपन ने बोल दिया दैट इज ड्रिफ्ट और इस ड्रिफ्ट को मैं बोल देता हूं एक्स ठीक है अब इस ड्रिफ्ट को अपन को करना है मिनिमाइज ठीक वो एंगल अपन ने मान लिया थीटा तो अपन क्या कर लेते हैं पहले अपन वेलोसिटी ऑफ मैन लिख लेते हैं तो यहां पे देखो इसका अगर मैं कंपोनेंट ले लेता हूं तो ये अपने पास इस डायरेक्शन में आएगा v/2 ऑफ साइन थीटा है ना और इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज v/2 ऑफ cos थीटा तो जो मैन की वेलोसिटी है अलोंग द रिवर ये हो जाएगी v वी माइनस ऑफ वी v/2 cos थीटा है ना जो कि इसको ड्रिफ्ट प्रोवाइड करवाएगी मतलब इस मैन को रिवर के डायरेक्शन में कौन फ्लो करवा रहा है वी माइनस वी बाई टू कॉस्टिटा और इसको क्रॉस कौन करवा रहा है क्रॉस करवाने के लिए जिम्मेदार है वी बाई टू साइन थीटा ठीक है ना तो लेट से दिर्थ ऑफ रिवर इज डी है ना तो अपने पास जो ड्रिफ्ट लिखेंगे है ना तो ड्रिफ्ट विल बी वी माइनस वी बाई टू कोस्टिटा ये आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है रिवर के डायरेक्शन में ठीक है और जो टाइम होगा टाइम के लिए कंपोनेंट है थीटा, तो टाइम अपने पास कितना हो जाएगा यहां से डिस्टेंस uh, है अपने पास डी डिवाइड बाई वी बाई टू ऑफ साइन थीटा ये टाइम हो गया ठीक है ना तो अपने पास ड्रिफ्ट डायरेक्ट आ गया वी माइनस वी बाई टू इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी कितने टाइम तक डी डिवाइड बाई वी बाई टू साइन थीटा टाइम तक ठीक है तो अपन को इसको अब मिनिमाइज करना है तो इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो दैट इज एक्स इक्वल टू टू बाय वी और डी भी आ जाएगा अंदर की तरफ अगर अपन लेके जाते हैं तो ये बनेगा अपने पास वी बाय थीटा मतलब वी ऑफ कॉसेक थीटा माइनस v थीटा है ना अब अपन इसको डिफरेंशियट करके जीरो करना है अपन को क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है ना अपन को X को तो इस पूरे को एक बार डिफरेंशियट करके जीरो कर लेते हैं अपने पास वैल्यू आ जाएगी थीटा की तो अपन को करना है डी एक्स डिवाइड बाय डी थीटा तो अपने पास टू डी डिवाइड वी ये तो एज इट इज रह गया और वी को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो वी से वी कट भी जाएगा तो केवल कौन बचेगा 2d डी बच गया है ना v को कॉमन निकाल लिया ना यहाँ से तो v से v कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे कॉसेक कॉसेक थीटा का माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई टू कोट का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा ये डिफरेंशिएट हो गया और इस डिफरेंशिएशन को अपन को करना है जीरो के इक्वल

अपने पास थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए अपने पास दैट इज uh, डिग्री अगर थीटा अपने पास पास 60 डिग्री हो गया है ना तो अपने पास एंगल पूछा है कहाँ से एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बॉट मूव तो अपन को एंगल पूछा है ये वाला दिस एंगल इज फाइव एंड दिस एंगल इज इक्वल टू वन एटी माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री तो स्ट्रीम की डायरेक्शन से वन ट्वेंटी डिग्री पे उसको फ्लो करना चाहिए फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट अच्छा अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भाई मिनिमम ड्रिफ्ट होगा कितना अब मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए अपन को करना क्या है यह जो अपने पास फॉर्मूला आया था ये वाला इसमें अपन को थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करनी थीटा की वैल्यू है ना वो वो वैल्यू अपन को यहां पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी ठीक चल